गोविंदगढ़ उपखंड के गांव सहजपुर में गोचर भूमि में शव को दफनाने का मामला अब बढ़ता जा रहा है। गुरुवार शाम को विरोध दर्ज कराते हुए भाजपा नेता सुखवंत सिंह, प्रधान रसगन गोपाल चौधरी सहित भाजपा कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और रामगढ़ विधायक साफिया खान पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सैकड़ों की संख्या में घटनास्थल पर पहुंचे भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि न्याया डोली आदि गांव में चारगाह की भूमि पर स्थानीय विधायक के दबाव के कब्जा करवाने का प्रयास कर रहे हैं। यहां तक कि विधायक ने गोविंदगढ़ के तत्कालीन तहसीलदार विनोद कुमार मीणा को गोचर भूमि को कब्रिस्तान के नाम पर अलॉट नहीं करने पर धमकाया और उनका स्थानांतरण कर दिया। विधायक के द्वारा मौके पर भेजा गया प्रशासन अधिकारी और पटवारी ग्रामीणों को धमकाने का काम कर रहे हैं। भाजपा नेता सुखवंत सिंह ने ग्रामीणों से कहा कि चारागाह गोचर शिवाय चक्र भूमि पर अगर कोई अतिक्रमण कर रहा है तो उसकी पैरवी प्रशासन को ही करनी चाहिए। प्रशासन इस समय विधायक के दबाव में है। अगर ग्रामीण सरकारी भूमि पर शव दफनाने का विरोध कर रहे हैं तो प्रशासन उनको उल्टा धमकाने का काम कर रहा है। सरकारें आती जाती रहती हैं, जो प्रशासन का लीगल काम है वो करे, नहीं तो हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़ेगी। सरकारी भूमि पर बच्चों के लिए खेल मैदान बनाया जा सकता है, पार्क, लाइब्रेरी आदि को भी बनाया जा सकता है, जो सभी के काम आए। जो मुसलमान समाज की ओर से कब्रिस्तान बनाने की कोशिश में है वह बिल्कुल गलत है, जबकि गांव में पहले से ही चार कब्रिस्तान सरकारी मौजूद है। क्षेत्र का भाईचारा खराब करने की कोशिश ना करें और क्षेत्र का भाईचारा ऐसी हरकतों से खराब नहीं करने दिया जाएगा। कुछ नेताओं की ओर से यहां पर मामले को भड़काने का काम किया जा रहा है। ऐसे नेताओं से कहना चाहूंगा कि गोविंदगढ़ में 2017 में 222 गायों की खालें मिली थी, उस समय कुछ नेताओं ने वहां पर मंदिर बनवाने का संकल्प लिया था, वह आज तक नहीं हुआ। 2013 में रघुनाथगढ़ में 36 गायों को एक नेता के द्वारा कटवाने के आरोप लगे थे, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कुछ नेताओं के भड़काऊ बयानों की वजह से हिंदू जो सच्चे मन से गौरक्षा आदि करते हैं उन पर प्रशासन की गाज गिरती है और उन नेताओं के भड़काऊ बयानों की वजह से हमारे चार युवकों को जेल भी जाना पड़ा है। तो मेरा उन नेताओं को भी मैसेज है कि आप क्षेत्र में माहौल और भाईचारे को खराब करने का प्रयास बिल्कुल ना करें। इस भाईचारे को यहां खराब नहीं होने दिया जाएगा। भाजपा की ओर से अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर कब्रों को शिफ्ट नहीं किया गया तो जबरन उन्हें कब्रों को खोदना पड़ेगा। अगर कार्रवाई नहीं करता है तो भाजपा इसके लिए आंदोलन करेगी। इस दौरान भाजपा नेता सुखवंत सिंह, उपखंड अधिकारी सुशीला मीणा, रामगढ़ थाना अधिकारी सुरेंद्र कुमार, एडिशनल SP शंकर लाल, नारायण शर्मा, मनोज शर्मा, जुबेर खान, रोहित शर्मा, कमल भादवा, रविकांत शर्मा, गोपी हिंदू, जयपाल माजोका, मगन फौजी, कश्मीर उप प्रधान कृष्णकांत जैन आदि उपस्थित थे। मुझे तो कल जयपाल भाई ने सूचना दी फोन से, कल मैं कहीं बाहर था, एक हमारे परिचित हमारे पास काम करता था उसका भाई गुजर गया था, जवान मौत थी, 2 साल शादी को हुए थे, तो इसलिए मैं अभी यहाँ आया हूँ। प्रधान जी हैं और सारे लोग यहाँ कार्यकर्ता हैं और बाकी हमारे गांव के लोग भी यहाँ खड़े हैं। सबसे पहले सरकारी जो चारागाह है चाहे गौचर है, जो भी जमीन है, इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की है, उसकी पैरवी प्रशासन को ही करनी चाहिए। लेकिन प्रशासन इस समय आप जानते ही हो कि दबाव में है, हमारे गांव वाले पैरवी कर रहे हैं तो उनको प्रशासन धमका रहा है, ये बिल्कुल गलत है। सिस्टम बदलता है, दुनिया गोल है, सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन मैं प्रशासन से ये कहना चाहता हूं कि वो जो भी उनका लीगल काम है वो करें, नहीं तो हमें कोर्ट की भी शरण लेनी पड़ेगी। और इस तरह जो गलत किया गया है इस चीज को, हम तो कहते हैं कि सभी समाजों के बच्चे यहां खेलें, सब अपने भैंस बांधो ढोर बांधो, लेकिन इस तरह का जो इन्होंने कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की है ये बिल्कुल गलत है। जबकि ऑलरेडी यहां चार कब्रिस्तान गांव वाले बता रहे हैं और 2 पर्सनल बता रहे हैं, आप उनमें यूज करो। इस तरह का ये भाईचारा बिगाड़ने की कोशिश है और ये भाईचारा बिल्कुल अपने ये क्षेत्र का नहीं बिगड़ने दिया जाएगा। मैं इसका सभी गांव वालों को आश्वस्त करता हूं और मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर तरीके से ये काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो सिस्टम बदलने वाला है, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। और मैं फालतू बातें करता नहीं जिस तरह के लोग यहां करके जाते हैं। कुछ कब्रिस्तान या पहले के भी हैं, कब्रें दबी हुई हैं, हमारे पास ही हमारा ही MLA था, हमारी सरकार भी, उस समय क्यों हो गए? आज जो लोग भाषण देके यहां जा रहे हैं उनको ये सोचना चाहिए, गोविंदगढ़ में 222 खाले मिली उसका क्या हुआ, 36 गायें रघुनाथगढ़ पाटा कटी उनका क्या हुआ, अभी 4 बच्चे जेल चले गए उसके जिम्मेदार कौन है? और यहां आके सब लोग कह जाते हैं मैं ये करूंगा और वो करूंगा, इस तरह के अनकरण बयान नहीं देने चाहिए, इससे हमारे क्षेत्र का भाईचारा बिगड़ता है। सबको आपस में बैठा हो, मैं तो ये कहता हूं कि सब गांव वाले आपस में बैठे और उसको हल निकालें, क्योंकि गांव वालों को हमेशा रहना, हम तो आज आएंगे कल नहीं आएंगे, लेकिन गांव वालों को हमेशा रहना। सभी समाज के लोग 5 आदमी मुखिया चुन के इनका निर्णय करें
नहीं तो फिर हम कर देंगे सर जैसे।